प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। कल से हम लोगों ने भारतीय संविधान में जो संवैधानिक विकास की यात्रा शुरू हुई थी उसका अध्ययन करना प्रारंभ किया था, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ना शुरू किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक विकास में जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्या है। तो यहां हम लोग पहले लिख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। वैसे कल हमने आपको इस पर चर्चा किया था, फिर भी हम इसको रिवाइज्ड कर दे रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अब हमको यहां ये सीखना है बच्चों, पहली बात कि इसके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने का कारण क्या था। ठीक है, मतलब कारण आप जाने कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को ठीक है क्यों लाया गया। क्लियर? तो फर्स्ट चीज आप याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के लाने का जो कारण है उसका पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो कंपनी है, मतलब ब्रिटिश कंपनी या आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहां कहना ठीक नहीं है क्योंकि उसका नाम उस समय कुछ और है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी हम यहां कहते रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यह आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। आप कहेंगे कि सर आर्थिक दृष्टिकोण से या मतलब फाइनेंशियल जो इसकी कंडीशन है वो क्या है। आप कहेंगे कि सर ये बहुत ही बदतर हो चुकी है, मतलब काफी फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से ये गुजर रही है। अब प्रश्न आता है कि आखिर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से क्यों गुजरी, क्यों उसके शेयर का वैल्यू गिरा, क्यों कंपनी दिवालिया बन गई। तो हमको ये चीज जानना है। पहली बात मैंने आपसे क्या कहा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। ठीक है ना, तो हमने आपसे कहा कि देखो कि कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है ये धीरे धीरे बदतर होती चली जा रही है, बहुत ही डाउन होती चली जा रही है। उसके जो शेयर है उसका जो वैल्यू है वो गिर चुका है और कंपनी जो है बैंकक्रप्ट होती चली जा रही है। तो ऐसी स्थितियों में यहां प्रश्न आता है कि ये कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर क्यों हुई। तो अगर हम इसका आंसर जानना चाहें कि ये आर्थिक स्थिति कमजोर क्यों हुई, तो हम कहेंगे कि नेपोटिज्म के कारण हुई। एक तो रीजन ये था, नेपोटिज्म का मतलब ये है कि जैसे भाई भतीजावाद है, ठीक है, भाई भतीजावाद के कारण जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था इससे भी कंपनी की आर्थिक स्थितियों में गिरावट आई थी। साथ में एक और भी रीजन आप उठा सकते हैं, इसी का एक पॉइंट और बना देते हैं बी। वो बी पॉइंट में हम ये आपसे कहेंगे कि देखिए कंपनी के लोग निजी व्यापार कर रहे थे, ठीक है, वैसे इस व्यापार को रोकने की कोशिश, निजी व्यापार को रोकने की कोशिश रॉबर्ट क्लाइव सर ने किया था, सोसाइटी फॉर द ट्रेड एक्ट को ला करके इसको रोकने की कोशिश किया था, फिर भी यह नहीं रोक पाया था। तो ऐसी स्थिति में जब निजी व्यापार हो रहा था तो कंपनी के व्यापार में यहाँ के कर्मचारियों की कोई रुचि नहीं रह गई थी। ठीक है, तो फिर इस निजी व्यापार के कारण भी कंपनी लॉस पे चल रही थी। अब इसके साथ हमको एक बात और भी याद रखना है, वो ये याद रखना है, सी पॉइंट ले लेते हैं, और वो है जो रॉबर्ट क्लाइव सर हैं उनके ड्यूअल सिस्टम, द्वैत प्रणाली, रॉबर्ट क्लाइव की द्वैत प्रणाली। तो अगर आप देखिए कि रॉबर्ट क्लाइव की जो द्वैत प्रणाली आई, इस द्वैत प्रणाली ने क्या दिया। ठीक है, अगर इसी को अंग्रेजी में कहें तो हम ये कहेंगे ड्यूअल सिस्टम। तो रॉबर्ट क्लाइव सर की जो ड्यूअल सिस्टम है उससे दीवानी का राइट्स ये तो कंपनी को मिला ही था 1765 के इलाहाबाद की संधि के द्वारा, ये राइट्स तो इनको मिला ही था, कंपनी को मिला था, लेकिन कंपनी निजामत का राइट्स भी ले रही थी।
निजामत मतलब प्रशासन का भी दायित्व तो संभाल रही थी, वैसे निजामत का यह दायित्व तो नवाब को सौंपा गया था, लेकिन फाइनेंस जो था, पैसा जो था, वो सारा का सारा पैसा कंपनी के कोष में जा रहा था और कंपनी निजामत के लिए किसी प्रकार का कोई धन नहीं देना चाहती थी, देती ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा यहाँ का जो प्रशासन था, ये प्रशासन नष्ट हो चुका था और पूरे बंगाल को बेशर्मी से लूटा जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो बंगाल के अंदर, ठीक है, हिंसा और अराजकता का दौर चल रहा था, ठीक है, ये सारी सारी सूचनाएं भी ब्रिटेन को जा रही थी, ठीक है। तो जब ये ब्रिटेन में जा रही थी तो इससे ब्रिटेन के जो सांसद हैं, ब्रिटेन के जो उच्चाधिकारी हैं, ये लगातार ये ब्रिटिश संसद पर दबाव डाल रहे थे कि कंपनी की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए या उसे रेगुलेट किया जाए, ठीक है। एक तो रीजन आपका ये रहा, एक और भी रीजन था और वो था 1770 में अकाल पड़ा हुआ था। और ये जब अकाल पड़ा तो इसमें अनाजों की कमी थी, लेकिन फिर भी कंपनी के कर्मचारी क्या कर रहे थे, अनाजों का मतलब एक बुरे तरह से क्या कर रहे थे कि क्रय करके और उसको स्टोर कर रहे थे और फिर स्टोर करने के बाद उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, मतलब संवेदनहीन हो करके वो लाभ को अर्जित करने के प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो इससे भी लोगों में या ब्रिटेन के लोगों में लगातार मांग चल रही थी कि कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए। मित्रों, एक और बात थी रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का। देखिए, कंपनी को मोनोपोली मिली थी, ट्रेड मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली का मतलब ये व्यापारिक एकाधिकार, ठीक है। तो व्यापारिक एकाधिकार मिला हुआ था कि भारत में जो व्यापार आएगा वह केवल कंपनी करेगी, क्लियर। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये जो मोनोपोली थी, व्यापारिक एकाधिकार था, इस एकाधिकार के बदले कंपनी 400,000 पाउंड ये क्या देती थी। तो आप कहेंगे कि सर ये 400,000 पाउंड ये ब्रिटेन को एक खिराज के रूप में देती थी, एक टैक्स के रूप में देती थी, लेकिन काफी दिन हो चुके थे और वह इस धन को चुकता नहीं कर रही थी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसलिए ब्रिटेन के सांसदों द्वारा लगातार फेरिगटन के नेतृत्व में, ठीक है, लगातार ये मांग चल रही थी कि आप इसको जो व्यापारी के एकाधिकार दिया गया है इसको समाप्त कर दें, क्लियर है। और एक बात और था कि कंपनी की गतिविधियों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, बरगायन समिति, जैसा कि कल मैंने आपसे चर्चा किया था। और बरगायन समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था, बरगायन समिति ने अपनी जब रिपोर्ट को सौंपा था 72 के अंदर, 1772 में, तब बरगायन समिति ने कहा था कि आप जो कंपनी उधार मांग रही है 20,00,000 पाउंड, ठीक है, आप इसे दे दें। मतलब सरकार, ब्रिटिश सरकार को सुझाव दे रही है कि आप ये जो 20,00,000 पाउंड की डिमांड कंपनी कर रही है आप इसे दे दें और ये 4% वार्षिक दर पर दें, मतलब जो ब्याज लेंगे आप वो 4% लेंगे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक सुझाव और दिया था कि आप ये धन दे दें, उस पर आप 4% का इंटरेस्ट ले लें, लेकिन इन्होंने कहा था कि आप कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट कर लें। मतलब कंपनी की गतिविधियों को आप क्या करेंगे, ये नियंत्रित कर ही लें, ठीक है। और ब्रिटिश संसद ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि बरगायन समिति की रिपोर्ट को हमें लागू करना है। आप याद रखिएगा कि लेकिन इन सबके बावजूद भी संसद के अंदर, ब्रिटिश संसद के अंदर एक ऐसा भी सांसद था जो लगातार कंपनी के पक्ष में कार्य कर रहा था, और वो कौन थे, बर्क। लेकिन बर्क की दलीलें ये असफल हुई और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, यह कंपनी पर थोप दिया गया या लागू कर दिया गया। तो बच्चों, अब प्रश्न आता है कि आपने ये तो सीख लिया कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, ठीक है।
लेकिन अब आप याद रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजन क्या है, मतलब उसमें व्यवस्था क्या है, उसके उपबंध क्या है। तो हम यहां लिख रहे हैं उपबंध, रेगुलेटिंग एक्ट के क्या क्या उपबंध है। क्लियर? तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो पहला उपबंध आएगा वो क्या है। तो आप कहेंगे कंपनी की, देखिए कंपनी की जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, उसमें आप जान लें कि कंपनी की कार्य प्रणाली को रेगुलेट किया गया था, कंपनी के अधिकारों पर किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी, कंपनी की सीमाएं पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। यहां पर क्या किया गया था, कंपनी का जो कार्य प्रणाली है इसी को नियंत्रित किया गया था। पहली बात तो आप याद रखिएगा, तब हम उपबंध में चलते हैं, कंपनी की कार्य प्रणाली को नियंत्रित किया गया और किसी प्रकार के लिए, किसी प्रकार के, ठीक है, उसे उसकी सीमाओं में और उसके अधिकारों में कोई कटौती या कोई नियंत्रण नहीं किया गया। अगली बात थी कि यहां पर गवर्नर की एक परिभाषा दी गई थी, गवर्नर के बारे में एक परिभाषा इन्होंने दिया था। क्या दिया था, यह उपबंध का पहला पॉइंट हमने आपके बीच में लाया। वो पहले पॉइंट में हम आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए यहां पर तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर बनाए गए, पहले से ही थे गवर्नर, ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर ऑलरेडी थे। लेकिन आपको याद रखना होगा कि इन गवर्नरों के ऊपर एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी, मतलब ये गवर्नर तो होंगे ही, इन गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल होगा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है, ये जो गवर्नर तीन होंगे तीनों प्रेसिडेंसियों में, इसके ऊपर एक गवर्नर जनरल होगा, इसे क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी कहा जाएगा। मतलब यह प्रेसिडेंसियों का पहला गवर्नर जनरल है। कभी कभी लोग भूल कर जाते हैं, इसे भारत का गवर्नर जनरल करने की भूल कर देते हैं। तो यह प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल है, ठीक है। अब ये जो गवर्नर जनरल है, आप ध्यान रखें कि गवर्नर जनरल को दो नामों से जाना जाता था, ए और बी, ठीक है। एक तो है गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी, और दूसरा नाम है गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इन काउंसिल, इस नाम से जाना गया था। हमने आपको कहा कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो उपबंध किए गए थे, उन उपबंधों से कंपनी की सीमाओं में, उसके अधिकारों में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी, ठीक, अपित उसके जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली में, ठीक है, हस्तक्षेप किया गया था, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी के मामले में, या आप कह सकते हैं कि भारतीय मामले में पहला हस्तक्षेप था, लेकिन यह हस्तक्षेप, ठीक है, आंशिक हस्तक्षेप था। फिर हमने कहा कि इसमें पहला उपबंध क्या किया गया, तो हमने कहा कि तीनों प्रांतों के लिए या प्रेसिडेंसियों के लिए गवर्नर तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन गवर्नरों के ऊपर एक गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, और इस गवर्नर जनरल को दो नामों से जाना जाएगा, एक गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी होगा और दूसरा गवर्नर जनरल इन काउंसिल होगा। तो वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी बनाया गया था। आप भूल से भी यह न कह दें कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो, ठीक है, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी थे। सेकंड चीज गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, के नाम से भी इनको जाना जाता था। अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या है, तो आपको यह पॉइंट याद रखना है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या है। तो आइए जरा देखते हैं, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का अर्थ बच्चों आपको यह जानना है कि इसको कहेंगे हिंदी में गवर्नर जनरल की परिषद, ठीक है,
तो आप याद रखेंगे गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई थी। ये परिषद में चार मेंबर थे, चार सदस्य थे, ठीक है। आप चाहें तो इन सदस्यों के नाम भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो गवर्नर जनरल है उसमें कौन कौन है, तो आप कहेंगे कि सर एक तो फ्रांसिस सॉरी फ्रांसिस, और दूसरा है क्लेवरिंग, तीसरे हैं मानसन, ठीक है, फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन, और चौथे जो हैं वो हैं बार्बेल। ठीक है, तो और जो इसके अध्यक्ष होगा वह गवर्नर जनरल होगा। तो अगर इन पांच लोगों को कहा जाएगा तो पांच लोगों को गवर्नर जनरल, और जब ये अपने चारों सदस्यों के साथ बैठेगा तो उसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल या गवर्नर जनरल की परिषद के नाम से जाना जाएगा। अब इनका कार्यकाल क्या होगा, टाइम पीरियड इनका क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर पांच वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी, क्लियर है। अब यहां पर आपके सामने एक चीज और आता है कि जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, वो अपनी परिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य थे। ये अलग की बात है कि गवर्नर जनरल को टाई का भी राइट्स दिया गया था, मतलब निर्णायक मत देने का भी उनको अधिकार था, लेकिन अगर वो परिषद का निर्णय उनके सामने आता है तो यह निर्णय उनके लिए बाध्यकारी होगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, अगला पॉइंट कानून की बातें। देखिए अगर गवर्नर जनरल, हमने जीजी से लिखा है गवर्नर जनरल, और उनकी परिषद अगला पॉइंट चल रही है, उनकी परिषद अगर कोई कानून बनाती है, कानून कोई भी कानून बनाती है, तो वह कानून तब तक मान्य नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद यदि कोई भी कानून बनाती है तो वह कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक कि उसका सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल महोदय और उनकी परिषद अगर किसी भी कानून को बनाती है तो यह जरूरी है कि उसका रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, ठीक है। और अब आप याद रखेंगे अध्यादेश, गवर्नर जनरल अलर्ट रहना है, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद, और उनकी परिषद को ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार था, ठीक है। आपके सामने यह दूसरी बात आई कि उनकी परिषद को ही क्या करना है, यही लोग अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, अगला जो पॉइंट है कि जो गवर्नर जनरल हैं, यह अकेले गवर्नरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब अगर गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के साथ आते हैं तो वह प्रांत के या प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को निलंबित भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक और पॉइंट याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था दी गई थी, की व्यवस्था दी गई। अब आइए जरा हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने व्यवस्था दी है वो क्या है। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया था कि कलकत्ता में क्या होगी, एक सुप्रीम कोर्ट होगी, ये होगी सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में होगी,
ठीक है। और दूसरी इसकी परिभाषा और क्या कही गई कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा यह किस लिए बनाई गई? आप कहोगे कि सर रूल ऑफ लॉ के लिए बनाई गई, कानून के शासन के लिए बनाई गई, ठीक है। यहां पर कोई व्यक्ति इक्वालिटी बिफोर लॉ की बातें की गई, रूल ऑफ लॉ की बातें की गई, और इसके जितने भी रूल्स होंगे वह ब्रिटेन के जो सिविल लॉ हैं उसके अनुरूप होंगे, क्लियर। फिर यह चार सदस्य था। अब ये जो चार सदस्य हैं इसमें एलिजा इम्पे इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इसके अतिरिक्त तीन अन्य न्यायाधीश भी इसके अंदर थे, और वो कौन कौन थे? तो आप कहोगे कि सर जो अन्य न्यायाधीश में आते हैं उसमें चैम्बरलिन है, लिमेस्टर है और हाइड है, ठीक है। कौन कौन लोग हैं? चैम्बरलिन है, लिमेस्टर है, लिमेस्टर और अगला कौन है? आप कहेंगे कि हाइड है, क्लियर। अब बच्चों यहां पर हमारे साथ एक और प्रॉब्लम आती है कि इसी एक्ट के अंतर्गत यह भी प्रावधान था कि यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गवर्नर जनरल या गवर्नर्स यदि कोई अवैधानिक कार्य करते हैं तो उसको कैसे रोका जाएगा, तो उसके लिए इन्होंने व्यवस्था दिया था कि इसके विरुद्ध सीधे प्रिवी काउंसिल में कार्रवाई की जा सकती है। मतलब प्रिवी काउंसिल कहां होगा? लंदन में होगा। और प्रिवी काउंसिल कहते किसे थे? तो आप कहेंगे कि प्रिवी काउंसिल किंग इन काउंसिल के नाम से भी जाना जाता था। मतलब किंग इन काउंसिल का मतलब यह हुआ कि हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबरों के साथ जब वहां का राजा न्याय देने के लिए बैठता है तो उसे प्रिवी काउंसिल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं, ठीक है। क्या डिमेरिट्स हैं, कमियां क्या थी? तो आप याद रखिएगा, पहली कमी तो इसके अंदर ये थी कि इसमें गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद है और उनकी परिषद, तो इन दोनों के अधिकारों और कार्यों को परिभाषित ही नहीं किया गया था। परिणाम क्या हुआ कि गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के बीच सदैव टसल बने रहे, झगड़े होते रहे। एक कमी तो यह थी। दूसरी बात यह थी कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं अधिकारी हैं, इनको रेगुलेटिंग एक्ट ने किसके प्रति उत्तरदायी बनाया था? आप कहेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट के प्रति उत्तरदायी बनाया था, क्लियर। तो अब हम इसका समाधान भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जरा देखिएगा कि कंपनी के कर्मचारी और कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के प्रति उत्तरदायी होंगे। पहली बात तो आप याद रखिएगा, इन्होंने खुलकर यह भी नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के कर्मचारियों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी कि वह किसके प्रति उत्तरदायी हों, ठीक है, उनके विरुद्ध कौन कार्रवाई करेगा, ठीक है। इसको लेकर के गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी टसल था। एक और बात भी मौजूद थी, और वो बात था कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार भी परिभाषित नहीं किए गए थे, ठीक है, वो भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किए गए थे। अब प्रश्न आता है कि इन कमियों का समाधान कैसे किया जाए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इन कमियों के समाधान के लिए 1781 का अमेंडमेंट एक्ट आता है। 1781 में क्या आता है? संशोधन अधिनियम आता है। संशोधन अधिनियम या अमेंडमेंट एक्ट आता है,
ठीक है 1781 में। तो इसके अंदर क्या व्यवस्था दी गई है, इसके अंदर उन्होंने पहली व्यवस्था जो दी वो ये कहा कि देखिए गवर्नर जनरल और उनकी परिषद ठीक है के द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे या कानून बनाए जाएंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड करना ठीक है अनिवार्य नहीं होगा। क्लियर, एक बात तो उन्होंने ये कही। फिर से आप याद रखिएगा कि जो संशोधन अधिनियम है 1781 का, उस संशोधन अधिनियम में क्या कहा गया, संशोधन अधिनियम में बच्चों पहली चीज ये कही गई कि देखिए कि कोई भी चीज मतलब जैसे कि गवर्नर जनरल और उनकी परिषद यदि कोई भी कानून बनाएगी तो उस कानून का रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट में कराना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि कंपनी के जो कर्मचारी होंगे ये कंपनी के कर्मचारी किसके प्रति उत्तरदायी होंगे। तो उन्होंने साफ शब्द में कहा कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के प्रति नहीं अपितु गवर्नर जनरल महोदय के प्रति ये उत्तरदायी होंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई दायित्व नहीं है। फिर इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सीमाओं को भी तय कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट की सीमाएं होंगी वो क्या होंगी। तो इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की सीमाएं होंगी वह केवल कलकत्ता तक होंगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि कंपनी की जो कंपनी के जो कर्मचारी होंगे अधिकारी होंगे वह सुप्रीम कोर्ट के प्रति नहीं अपितु तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होंगे। और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की यहां पर उन्होंने सीमाएं भी तय कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट की सीमा होगी वह कहां होगी। तो उन्होंने कहा कि सर ये जो सीमा होगी वह केवल कलकत्ता होगी। ठीक है, फिर आपको एक बात और याद रखना है इस 1781 के एक्ट के अंतर्गत, ये भारत में पहली बार इसका प्रयोग हो रहा है क्या कि भारत में कार्यपालिका को और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। क्लियर, ये पहला यूज है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, और एक बात इन्होंने और कहती थी इस एक्ट के अंतर्गत कि जो प्रिवी काउंसिल लंदन में है जो सबसे बड़ी कोर्ट होगी इसमें अब कोई भी मुकदमा दीवानी का मुकदमा तभी लाया जा सकता है जबकि उसकी मालियत 5,000 पाउंड की हो। 5,000 पाउंड से नीचे का अगर कोई दीवानी का मुकदमा है तो वह उसे नहीं लाया जा सकता। क्लियर, और बच्चों अब इसके अंदर आपको एक बात और याद रखना है कि देखिए लेकिन इससे भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया था कि 1781 का जो अमेंडमेंट आया इस अमेंडमेंट के बाद एक डंडास बिल आया था और उस डंडास बिल को पास कराने की कोशिश में लॉर्ड नॉर्थ की सरकार चली गई थी। ठीक है, और उनके स्थान पर प्रधानमंत्री पिट्स, ये यंगर पिट्स ठीक है, ये नए प्रधानमंत्री के रूप में आए थे। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि 1781 के अमेंडमेंट को के बाद ठीक है प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ एक बिल को पारित कराना चाहते थे, डंडास बिल, और डंडास बिल को पारित कराने की कोशिश में ठीक है प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की सरकार चली गई। और जब प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की सरकार चली गई तो उनके स्थान पर नए प्रधानमंत्री आते हैं पिट्स यंगर। पिट्स यंगर आते हैं और इस पिट्स यंगर ने 1784 में
जो नियम लाया, कानून लाया, एक्ट लाया, उसको क्या कहते हैं? आप कह देंगे कि सर उसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है। प्रधानमंत्री पिट्स इसको लेकर आ रहे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट को। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर प्रोविजन क्या है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री पिट्स कंपनी में भी द्वैत प्रणाली लागू कर देते हैं। कंपनी का जो शासन है, कंपनी के शासन में ये क्या लागू कर दे रहे हैं? आप कहोगे कि सर ड्यूअल सिस्टम या द्वैत प्रणाली को लागू कर रहे हैं। ठीक है, द्वैत सिस्टम को लागू कर रहे हैं। अब बच्चों यहां पर याद आना चाहिए आपको कि ये कंपनी के शासन में द्वैत प्रणाली, द्वैत प्रणाली ये क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री पिट्स ने कंपनी के शासन में द्वैत प्रणाली ला करके कंपनी के दो मालिक बना दिए हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कंपनी के दो हुक्मरान बन गए, दो स्वामी बन गए या दो मालिक बन गए। अब ये मालिक कौन कौन है? एक और दो। एक तो बनता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और दूसरा क्या बनता है? आप कहेंगे सर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो आपको याद रखना है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसका क्या वर्क है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? तो आप पहली चीज तो आप याद रखोगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में जानने के लिए हमको थोड़ा सा अलग से जानना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में आइए जानते हैं। तो बच्चों जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसके बारे में आप ये जानिए, फर्स्ट पॉइंट, कि इसका गठन कौन करता था। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर ये सम्राट करेंगे। ठीक है, सेकंड चीज आप याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अपना एक अध्यक्ष होगा और ये जो अध्यक्ष होगा इस अध्यक्ष को राज्य सचिव कहा जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद आप याद रखिएगा इसके अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, और इन सदस्यों को क्या कहा जाएगा? कमिश्नर कहा जाएगा। ठीक है, तीसरी बात आपको याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में दो ऐसे सदस्य आएंगे जो पदेन सदस्य होंगे। मतलब ये जो दोनों सदस्य हैं ये कैसे होंगे? ये पदेन होंगे। तो ये कौन कौन है दो सदस्य? तो आप कहेंगे कि सर एक फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर को, ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर को एक्स चेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स चेकर। ठीक है, यह पदेन होगा। और इसके बाद भी कोई और आएगा तो आप कहेंगे कि सर इसके अतिरिक्त एक और नाम आएगा और वो है विदेश मंत्री। वित्त और विदेश मंत्री क्या होंगे इसके? तो आप कहेंगे कि सर ये इसके पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्य का मतलब क्या है? पद पर रहते हुए जो पद मिलता है उसी को पदेन सदस्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में आपने जाना। ठीक है, और अब हमको थोड़ी बात और करनी है आपसे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसका कार्य क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसका क्या कार्य होगा? तो आप जानेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली दो वर्क करेगा। एक
नागरिक प्रशासन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा, पर नियंत्रण देखेगा, और दूसरा है सैन्य प्रशासन को देखेगा। अब प्रश्न यहां ये आएगा, आप सोचेंगे कि जब नागरिक प्रशासन का भी काम ये कर रहा है, सैन्य प्रशासन का कार्य ये कर रहा है, तो आखिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में क्या है। तो बच्चों हमको परिचय तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्य है कि वह केवल कंपनी के व्यापार और व्यवसाय को देखेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करेगा वो, क्लियर। और इसमें थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा नहीं की, वो चर्चा हमें करनी चाहिए थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ये मैटर मुझसे छूटा था, आप इसे जोड़ लेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इसका जो कंपोजिशन है, मतलब इसकी जो संरचना है वो कैसे होगी, ये 24 सदस्यों से होगी, ठीक है। और इस 24 सदस्य में 1/4 सदस्य जो हैं 1/4 मेंबर्स, ये हर साल रिटायर कर जाएंगे, ठीक है। और जो इसका मुख्यालय होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मुख्यालय जो है लंदन का लीडन हॉल था, लीडन हॉल से ही बैठ करके कार्य करता था। लेकिन जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इस पिट्स इंडिया एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधिकारों में क्या परिवर्तन कर दिया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पावर में एक परिवर्तन किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन होगा और अपने व्यापार से संबंधित कोई भी सूचना वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देने के लिए विवश होगा, क्लियर। और अब पिट्स इंडिया एक्ट में एक बात और कही गई थी, ठीक है। तो आप अगला पॉइंट जो भी चल रहा हो आप उसे देखें, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं कि ये कौन से नंबर चल रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक क्लॉज था, ठीक है, आर्टिकल 34, और इस आर्टिकल 34 में कहा गया था, क्या कहा गया था, कि हमारा उद्देश्य भारत में शांति को स्थापित करना है, हमारा उद्देश्य कहीं से युद्ध या विस्तार नहीं है, क्लियर। एक बात इन्होंने और कहा था पिट्स इंडिया एक्ट में, और वो था कि बड़े अधिकारी, कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो गवर्नर हो, गवर्नर जनरल हो, या सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, ठीक है, इनके अपराधों की जांच, इनके भ्रष्टाचारों की जांच कैसे होगी, इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है। तो यहां पर पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया था कि कंपनी के उच्चाधिकारियों न्यायाधीशों के विरुद्ध मुकदमा करने के लिए 10 सदस्यीय न्यायालय की स्थापना लंदन में होगी, 10 सदस्यीय न्यायालय की स्थापना लंदन में होगी। अब ये जो 10 सदस्यीय न्यायालय होगा, इसमें 6 जो आएंगे, 6 सदस्य और 4 सदस्य, ये जो 6 सदस्य आएंगे या हाउस ऑफ कॉमन्स आएंगे, या कह सकते हैं कि ब्रिटेन के जो संसद है उसके निचले सदन जिसे हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, उससे 6 सदस्य आएंगे, और ये जो 4 सदस्य आएंगे ये हाउस ऑफ लॉर्ड से आएंगे, ठीक है, क्लियर। और अब बच्चों हमको पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना, अब हमको यहां पर एक बात जानना चाहिए कि पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या परिवर्तन कर दिया,
पिट्स इंडिया एक्ट ने पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या परिवर्तन किया, क्या बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट? तो आप कहोगे कि सर पिट्स इंडिया एक्ट ने सबसे बड़ा परिवर्तन ये कर दिया कि अब ब्रिटिश संसद का प्रभाव भारत पर प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो गया। डायरेक्टली रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यह आंशिक था, लेकिन यहां पर पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत पर पूर्ण और प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था। क्लियर? और अब ये हमने पिट्स इंडिया एक्ट को समाप्त कर दिया है। पिट्स इंडिया एक्ट में जो मेन मैटर था वो आपको याद रखना है कि इसमें आपको और कुछ नहीं बल्कि याद रखेंगे कि कंपनी के शासन में ही द्वैध प्रणाली लागू कर दी गई, ठीक है। और द्वैध प्रणाली लागू करके, ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया है, ठीक है। और कंपनी में के कर्मचारियों और अधिकारियों पर होने वाले भ्रष्टाचारों की जांच के लिए क्या किया गया था? तो आप कहोगे कि सर वहाँ एक व्यवस्था दी गई थी कि 10 सदस्यीय एक न्यायालय होगा जो लंदन में होगा, ठीक है, जिसमें 6 और 4 सदस्य होंगे। 6 सदस्य यह हाउस ऑफ कॉमन्स से आएंगे और 4 सदस्य हाउस ऑफ लॉर्ड्स से आएंगे, ठीक है। और इसके साथ हम अपनी बात को यहीं रोकेंगे, कल हम लोग आगे लेके जाएंगे जिसमें हम लोग, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट की बातें करेंगे, ठीक है। अब ये चार्टर्ड एक्ट क्या है, कैसे आएगा, इस पर हम लोग चर्चा, ठीक है, कल करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू। विशिंग यू ऑल द लक।